नमस्कार दोस्तों, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिस्ट्री डॉल पर। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू होते ही हम सबको बहुत सी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक परेशानी ये भी है कि हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बारिश के मौसम शुरू होते ही हमारे बालों का झड़ना एक आम बात सी हो जाती है। 10 में से 7 महिलाओं को ये शिकायत होती है कि बारिश के मौसम शुरू होते ही उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन 7 महिलाओं में से एक महिला मैं भी हूँ, मुझे भी ये शिकायत है। तो बारिश के मौसम में ना चाहते हुए भी हमारे बाल गीले हो जाते हैं और ये अच्छी तरह से ना सूखने के कारण हमारे बाल गिरते हैं, झड़ने लग जाते हैं। तो आइए कुछ नुस्खे मैं आपको बताती हूँ, कुछ टिप्स आपको बताती हूँ ताकि आप अपने बाल को झड़ने से बचा सकते हैं, उसे रूखे बेजान होने से बचा सकते हैं। मेरे बाल काफ़ी बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। मैं अपने बालों को यूं करती हूँ तो हाथ में बहुत सारे बाल आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। इन इन बातों का आप ख्याल रखें तो आपके बाल कम झड़ सकते हैं, बारिश के मौसम में भी आपके बाल बहुत खूबसूरत और चमकदार बने रहेंगे। तो दोस्तों, पहला मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी, आप अपने बालों को अधिक समय तक गीला ना छोड़ें। अगर आप बारिश के मौसम में भींगते हैं तो भी एक कारण है कि आपके बाल झड़ सकते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में हानिकारक तत्व होते हैं, इससे बाल झड़ जाते हैं। अगर आपको बारिश के मौसम में भींगना पसंद है, बारिश के पानी में भींगना पसंद है, बारिश के पानी में भींगने के बाद आप अच्छी तरह से बालों को अच्छे पानी से धो लें और उसके बाद इसे ड्रायर से सुखा लें। ध्यान रखें कि आपकी जो सिर की त्वचा है और जो बाल है वो अधिक समय तक गीले ना रहे। तो दोस्तों, जब भी आप अपने बालों पर शैम्पू करें उसके ठीक आधे घंटे पहले आप अपने बालों को नारियल तेल से मसाज जरूर करें। अपने सिर की त्वचा पर, अपने पूरे बालों पर अच्छी तरह से नारियल तेल से मसाज करें, उसके बाद आप किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लें। दोस्तों, बाल धोने के बाद आप कंडीशनर का यूज़ ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंडीशनर का यूज़ नहीं करते हैं तो आपके बाल रूखे बेजान से लगते हैं और इससे झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप जब भी शैम्पू करें उसके बाद आप कंडीशनर का यूज़ ज़रूर करें, इससे बाल आपके चमकदार और बहुत ही ज़्यादा मुलायम रहते हैं। दोस्तों, बालों में कंघी करने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखें। पहला तो ये कि आपके जो कंघी हैं वो चौड़ी दांतों वाली होनी चाहिए और आप अपनी एक अलग कंघी रखा कीजिए, आप उसी से अपने बाल झाड़िए, उसे किसी और के साथ शेयर ना करें और अपनी कंघी को हर हफ्ते आप साफ़ करते रहिए। और दोस्तों, सबसे मेन बात, आप गीले बालों पर कंघी कभी ना करें, क्योंकि गीले बालों पर कंघी करने से आपके बाल टूट सकते हैं और ये कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो पहले बालों को अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद आप इन पर कंघी कर सकते हैं। दोस्तों, बारिश के दिनों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण और डैंड्रफ से अपने बालों को सुरक्षित रखने के लिए ये आवश्यक है कि आप सप्ताह में एक बार नीम की पत्तियों और हल्दियों का पेस्ट अपने बालों पर ज़रूर से ज़रूर लगाएँ। दोस्तों, नीम और हल्दी में कई लाभदायक तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी सेप्टिक, एंटी इन्फ्लोमेटरी, एंटी वायरल के साथ साथ विटामिन सी और एंटी ऑक्साइड से भरपूर होते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि इससे ना कि केवल हमारे बालों की डैंड्रफ दूर होती है बल्कि इससे हमारे बालों को और भी पोषण मिलती है और हमारे बालों की चमक ऐसे ही बनी रहती है। दोस्तों, मानसूनी दिनों में अक्सर हमारे बाल बहुत ज़्यादा बेजान लगते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि सप्ताह में एक बार आप अपने बालों को गुनगुने तेलों से मालिश करें। आप चाहे तो इससे सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं, नारियल तेल से मालिश कर सकते हैं, जैतून के तेल से मालिश कर सकते हैं, बादाम के तेल से मालिश कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं अपने बालों में आंवला, सिकाकाई, रीठा, इन तीनों का पेस्ट मैं ज़रूर लगाती हूँ। हफ्ते में नहीं भी हो पाता है तो मैं महीना में एक बार अपने बालों को इन सबसे अच्छे से वॉश करती हूँ। इससे बाल मेरे बहुत ज़्यादा चमकदार बने रहते हैं, सिल्की सॉफ्ट और झड़ने से भी बचते हैं।
तो आप भी कोशिश कीजिए आंवला, सिकाकाई, रीठा इन सब से आप अपने बालों को एक बार जरूर धोए। प्राकृतिक चीज़ है ये, आपके लिए नुकसान नहीं करेंगे, हानिकारक नहीं है। मैं बहुत ही कम केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करती हूँ, तेल यूज़ करती हूँ बहुत ही कम। मैं घर की नारियल तेल मेरे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं हमेशा से नारियल तेल ही यूज़ करते आती हूँ। तो दोस्तों बहुत सारी परेशानी होती है हमारे बालों को लेकर के, क्योंकि हमारी एक सुंदरता, एक सादगी की पहचान है हमारे सुंदर बाल। हम हर कोई चाहते हैं कि हमारे बालों की सुरक्षा हम खुद करें, इन्हें झड़ने से बचाएं, इन्हें चमकदार सुरक्षित रखें। दोस्तों मैं अपने बालों की कटिंग करवा चुकी हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम आते ही मैं अपने बाल कट कर लेती हूँ, छोटे छोटे कर लेती हूँ, ताकि इसकी झड़ने की जो मात्रा में थोड़ी सी कमी हो सके। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं बारिश के मौसम में, मैं ध्यान उतनी तो नहीं रख पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ। तो आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बालों को थोड़ा सा कटिंग करवा सकते हैं बारिश के दिनों में, इससे भी आपके बालों के झड़ने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर लंबे बाल हमारे उलझ जाते हैं कंघी से और ये बहुत ही ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो हमारे बाल अगर छोटे रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, तो इसे संभालना भी बहुत आसान हो जाएगा और इससे हमारे बाल भी झड़ने कम हो सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके बताइए हमारी ये टिप्स आपको कैसी लगी, और क्या आपकी भी ये परेशानी है बारिश के मौसम में, आपके भी बाल गिरते हैं? तो आप भी अगर अपने बालों को चमकदार और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ये टिप्स ज़रूर आजमा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी आप एक बार अपने डॉक्टर से इसकी सलाह ज़रूर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। कमेंट में बताइए आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।